करो। हमें क्या चाहिए? रोड। हमें क्या चाहिए? रोड। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमें क्या चाहिए? रोड। रोड। हमें क्या चाहिए? रोड चाहिए, रोड चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमें क्या चाहिए? रोड चाहिए। डिग्गी का लास्ट कोना है, ये जो रोड आप देख रहे हो, ये पीएमजीएस भाई रोड का था, रोड डिग्गी टू कोटला आया था, और ये रोड कोटला को टच करके बंद हो गया, और ये आगे गांव कोटला है, और मेरा नाम शंकर सिंह है, एक्स सर्विसमैन मैं हूँ आर्मी से। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आप इतने दूर से आके हम लोगों की जो समस्याओं को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस चीज़ के ऊपर गौर डालेगा। मेन मकसद हमारा ये है कि इधर से एक ट्रैक्टर रोड निकाला गया था, उसका ना तो कोई सर्वे किया, सर्वे बोलते हैं हमें सर्वे किया, लेकिन वो बिल्कुल आंखों में धूल जोली गई, उसमें कोई सर्वे सुर्वे नहीं हुआ, लोगों की ज़मीनें आई, बहुत सारी ज़मीनें आई हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। आज से 7-8 साल पहले ये रोड निकाला गया था, और बीचों बीच जो गांव है बिल्कुल सेंटर में से रोड निकाला गया था, पूरे गांव को इसका बेनिफिट था, कम से कम 200 घर जो है इसका बेनिफिशरी है। लेकिन जो रोड निकालने के बाद, जैसे ही ये रोड निकाला, जो उनका टारगेट था वहां तक उसको निकाला उस टाइम, और निकालने के बाद एक आधा महीना जो है गाड़ियाँ, छोटी मोटी गाड़ियाँ इस रोड में चलती रही, और चलने के बाद ऑटोमेटिकली वो रोड बंद हो गया। बंद होते होते आज 7-8 साल हो गए, अभी हालत देखो आप इस रोड की, अभी तो इधर तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही गवर्नमेंट लैंड है, इधर आगे जो लोगों की जो ज़मीनें हैं प्लेन एरिया है, कल्टीवेटेड लैंड है, वो लोगों ने उधर खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि पत्थरी पत्थर कर दिया है ना, तो लोगों का कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम ज़मीन है उनकी, लेकिन वो भी बर्बाद कर दी है। ओके, इस रोड से कितने लोगों को बेनिफिट मिलना था? इस रोड से कम 200-250 पॉपुलेशन जो है, और मैक्सिमम कम से कम 100 के आसपास, 100 घर जो होगा वो ऐसी तबका आता है उसमें, और उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए ये रोड खास करके हमें रिक्वेस्ट किया था, उस टाइम हमारे सरपंच साहब जीवन शर्मा जी थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस रोड को हम बाद में इसका सर्वा करवाएंगे, पीएमजी से मैं इसको ढालेंगे, और लोगों को इसका जो है मुआवजा भी मिलेगा, जैसे कि पहले इस रोड का मुआवजा मिला था, तो बोला आगे भी हम इस तरीके का करवाएंगे, लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। उन्होंने बहुत अच्छी सोच थी उस टाइम उनकी, उन्होंने ये रोड निकाला भी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया। ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि वो रोड किस वजह से बंद हुआ, उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रेशर था, या किसी ने उनको कोई गलत गाइड किया है, या खुद ही कोई इतने असमर्थ रहे कि इस रोड को ना बना पाए। उल्टा इस रोड को बंद करने के बाद एक दूसरा रोड निकाला गया है, ट्रैक्टर रोड, वो रोड हमारे जो हमारा विलेज कोटला है उसके लास्ट इंड को टच करते हुए आगे दूसरे गांव में गया है। अच्छी बात है, दूसरे गांव को इसमें से भी एक्सटेंड हो सकता था, इसी के साथ मिला है वो भी रोड, लेकिन उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टोटली मैं अगर काउंट करके बताऊँ तो टोटली 5 घर आते हैं, और बड़े बड़े घर हैं वो, जो कि वो अपनी ज़बरदस्ती से अभी रोड निकाला जा रहा है उधर से। अभी ये पता नहीं कि चेयरमैन को पूछते हैं तो बोला मैं इसमें को मेरा कोई दखल नहीं है, वो शायद अपना पैसा निकाल के मतलब लगा के निकाल रहे हैं रोड। अगर अपना पैसा मानो अपना पैसा लगा रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन अपना पैसा निकाल रहे हैं इसका मतलब वो पर्सनल रोड है। अगर पर्सनल रोड है तो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों की वो ज़मीन आ रही है उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनके साथ बातचीत करें कि हमको रोड निकालना, हमें ज़मीन दो। अभी उस रोड को भी उसमें डिस्प्यूट हो चुका है, अगर वो रोड बनता भी है तो हमारे गांव को फायदा नहीं था, हमें उस चीज़ के लिए बोला अगर आप लोग इस रोड को निकालते हो तो फिर भी ये रोड तब भी हमारे गांव में जाना चाहिए, सेंटर में जाना चाहिए, लेकिन ये रोड बंद हो गया, वो रोड का काम चल रहा है, आखिर ये क्या माजरा है और ये लोगों को क्यों नहीं इसकी समझ आ रही है? ये माजरा हमारी समझ में ये आता है शायद, वैसे इतना तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि एक दफ़ा ये निकाला, ये बंद कर दिया, उधर से निकाला, उसके लिए भी अभी बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, अभी दूसरे कर रहे हैं, इसका मतलब रोड निकालते जाओ। और मैं यहाँ कोटला निवासी हूँ,
मेरा मेन मकसद ये है, ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये रोड अगर 6 करोड़ पे इस पर खर्च करना था तो ये रोड जंगल में क्यों बंद कर दिया गया? ये जंगल से आया है और जंगल में ही बंद कर दिया गया। अगर इधर से आगे ये रोड जाएगा तो कम से कम 150-200 घर है जिनको पॉपुलेशन है, जिनको कम से कम ये इसका फ़ायदा होगा। तो मेरा यही सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इस सवाल का जवाब दें कि ये क्यों बंद किया है इन्होंने, पहली बात ये है। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो दूसरा रोड जो बन रहा है, चलो ठीक है वो किसी की ज़मीन में बन रहा है, जो भी बन रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो ST और SC रोड है, ठीक है ना, SC और ST रोड है। तो मेरे हिसाब से रोड तो कोई ST और SC होता नहीं है। तो वो बंदे बोलते हैं कि इसका कि अब हमारे पीछे देखो आप, यहाँ पे ST भी खड़े हैं, OBC भी खड़े हैं, जनरल भी खड़े हैं और क्या नाम इसका SC भी खड़े हैं। तो ये रोड फिलहाल हमारी ज़मीनों से जा रहा है, लेकिन ज़्यादा फायदा किन लोगों को, जो गरीब लोग हैं इनमें। तो मेन यही सवाल है हमारा कि ये रोड आखिर यहाँ पे बंद क्यों किया हुआ है, ये रोड आगे निकाला जाए, रोड को लेके क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले नमस्कार आपका, आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हो दूर दराज एरिए में, तो लोगों का प्रदर्शन करने का मेन फंड यही है कि यहाँ तक जो PMGYS का रोड यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ पे कोई बस स्टैंड भी नहीं बना हुआ, स्टॉप हो गया है। और इन्होंने बड़ी बार पहले मेरे से भी रिक्वेस्ट की कि आप इस रोड को आगे कंटिन्यू करवाओ, लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश की, मैं डिपार्टमेंट से भी बात कर रहा था जहाँ तक टाइप हो, लेकिन अभी स्टॉप है। ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ से आगे हमारा एरिया जो मॉडर्न विलेज है, विलेज कोटला पड़ता है, ये मॉडर्न विलेज में आया हुआ ब्लॉक पंचायरी का, तो मॉडर्न विलेज के अंदर मैक्सिमम इधर SC ST कैटेगरी जो हैं वो फॉल करती हैं। और इस रोड का अगर यहाँ से ये आगे जाता है रोड, तो इस रोड का बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उससे आगे हमारा प्राणीपोती एरिया पड़ता है। अब सरपंच साहब आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, जब आपकी डिपार्टमेंट से बात हुई उन्होंने बताया कि रोड को बंद करने का कारण क्या था? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया है क्योंकि PMGYS जब लास्ट टाइम PMGYS की टीम आई थी यहाँ पे, जेई वगैरह आए थे, तो उन्होंने ये थोड़ा सा पीछे डैमेज एरिया हुआ था, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ से आगे इसको भी कंटिन्यू करेंगे, बट ये अभी उन्होंने पूरा आश्वासन नहीं दिया कि किस हेड के थ्रू करेंगे, इसका प्रॉपर तरीके से सर्वे हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका पूरा आपके द्वारा इसको सर्वे में रखवाया गया कि नहीं रखवाया गया? एक्चुअली मैं तो अभी, मेरे को 1 साल हुआ है सरपंच बने हुए, उससे पहले किसी और के हाथ में पंचायत ना, मैं 4 साल हुए आज, पिछले 4 साल रोड एक निकले हा, उस रोड की मैं उस रेड और रोड कुदरा कुदर ज्यादा है निकले तू कोटला वादा है, कोटला शहर टच करिए बारो बार ज्यादा, वो उसी में बंद किया गया कि इस रोड की नहीं निकालना, तुसे बंद किया? बंद किया, मतलब तुसे के किया? तुसे स्टे टू ले, स्टे नहीं लाया उस साल, उन्होंने आख्या नहीं है, मैं टाम रेली है, मैं से बंद कर उसने आख्या है टाम रेली चेयरमैन साहब ने, कौन चेयरमैन थोड़े ग्राम में सरपंच थे उसले जीवन कुमार, जीवन कुमार, जीवन कुमार जी, हां जीवन। अच्छा उन्हें बंद किया था 4 साल और रोड बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा, हूँ जरा 2 बारी भी मशीन आती, मैं 2 बारी मशीन वापस कितिया फेरिया और फिर मैंने मशीन बंद कर ली, 2 बंदे टकरे, उन्हें जबरदस्ती मेरी जमीन च मशीन लाने की कोशिश की, फिर मैं जाइया कोर्ट का दरवाजा खड़काया और कोर्ट चा स्टे लैन का मजबूर हो गया, स्टे जिस दिन मैं स्टे लेइए आया और जिस दिन उनकी तरीकां मतलब कोर्ट के सामने आए, उन्हें तलाहें कीतियां, 10 बजे उनकी तलाह होंगी और 2 बजे ठीक 2 बजे 3 बजे मशीन मेरी लाई है उस जमीन च कटी ली। अच्छा एक एक मिनट तो आई उस वजह ने कोई कनाल खंड नहीं है जनाब, कनाल थू ज्यादा क्या थोड़ी अपनी जमीन है या सरकारी जमीन है? नहीं जनाब, नहीं जनाब, अपनी मालकी है, मालकी है, मालकी है मेरी, मालकी है। ते ओ कौन लोग ने उनका नाम सुना के जगह? हां जी रवि, रवि एक ते मिगेश दो। ते के काम करते देख दुकानदार ने दोए ते दोनों दुकानदार दोए दुकानदार के तोई तुसे अभी पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट कराई? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं दीती है जनाब, हां नहीं दीती है पुलिस ने। एक एक गल सुनाओ, अगर थोड़ी यो रोड निकली थी ओदा तुसे नुकसान गया? मिकी नुकसान ही नुकसान है, मिकी कोई नहीं है नुकसान जनाब, मिकी कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं मेरे ग्रां की बेनिफिट है, बिल्कुल मेरे ग्रां भी बेमेंट नहीं है, 2-3 घर नो 2-3 घर जबरदस्ती पैसे वाले आदमी धमकी भी देंदे ने मिकी, मिकी धमकी ते मारी भी देगे जबरदस्त, हां जबरदस्त आदमी ने जनाब, जबरदस्त ने और जबरदस्ती ने रोड कढ़या गया उन्हें जी, और आज भी मिकी धमकी दे दे, आज भी रोड दिन निकले रात निकले और रात ही लेई है, रात काम कराया उन्होंने, चोरी काम कराया, जबरदस्ती लेई है, रात ही जबरदस्ती जाइए, ऐसे जबरदस्ती जाइए उस